मतलब एक्टर अगर सामने आके अगर ऐसा कुछ बोले तो मजा आ जाता है। हल्क से रिलेटिव मार्क रफेलो ने इतना कुछ रिवील कर दिया, शील से रिलेटिव रिवील कर दिया, जिसको आप जानकर खुश होने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी इंट्रो के पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो नंबर वन अपडेट है कि भाई मार्क रफेलो ने अभी हाल ही में शी हल्क के प्रीमियम में ये रिवील करा कि वो रेडी है और वो इधर ही है, बस ग्रीन लाइट चाहिए उनको हल्क मूवी के लिए। मतलब ऑलमोस्ट वो रेडी है। देखिए ये इंटरव्यू वाला वीडियो। यू डू अ स्टैंड अलोन Hulk movie, like what is your future in the Marvel universe look like? I don't know. Whatever they have an appetite and you know people want, you know, I'm around. अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भाई उन्होंने तो रिवील कर दिया कि वो रेडी हैं, बस ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हैं। अब ग्रीन लाइट किस चीज की हो सकती है भाई? एमसीयू तो ऑलमोस्ट रेडी है पहले से ही कि भाई वो मूवी बनाना चाहता है या सीरीज बनाना चाहता है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पर हाँ, वो वर्ल्ड वॉर को लेकर कुछ करना चाह रहा है बड़ा। पर प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी राइट्स की। और यहीं पर दूसरा अपडेट आता है कि भाई यूनिवर्सल से मार्वल की डील चल रही है, ऐसी इनसाइड रिपोर्ट आई है, और यूनिवर्सल से वो राइट्स लेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर वाले, जिससे कि वो थिएटिकली मूवी बना सकते हैं और एक टीवी शो भी बना सकते हैं। तो अब 2023 में अगर इनके पास राइट्स आ जाएंगे तो भाई ये मार्वल स्टूडियो हल्क के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा साल 2023 से, और 23 से काम स्टार्ट होना चालू होगा। और सीक्रेट वॉर ऑलरेडी 2025 में रिलीज होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि इन पीरियड में क्या हल्क की मूवी या सीरीज बन सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर साल 2023 तक इसके राइट्स आ जाएंगे, मार्क रफेलो ऑलरेडी रेडी है, तो यानी कि 100% कन्फर्म है। अब बात करते हैं नंबर थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि शी हल्क से रिलेटेड। मार्क रफेलो ने एक और चीज कंफर्म करी, जिसमें कि मार्क रफेलो ने बताया कि आने वाली जो अपकमिंग दो मूवीज हैं, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर, उसमें शी हल्क का मेजर रोल होने वाला है और वो इस मूवी में दिखने वाली है। तो यानी कि शी हल्क भी भाई कैंग डायनेस्टी में और सीक्रेट वॉर में आपको देखने को मिल सकती है। ये मार्क रफेलो ने ऐसा हाल ही में रिवील करा, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अब बात करते हैं नंबर फोर पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रेडिक्शन। तो भाई जनरली ऑडियंस की प्रेडिक्शन और मेरी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, देखो वर्ल्ड वॉर हल्क बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, उसको बनाना एक मूवी में पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही ये कहती है कि भाई इसके ऊपर तो एक सीरीज ही आनी चाहिए, कम से कम 4 सीजन में, जिससे कि वो अच्छी तरीके से इसको डेवलप करे। बट 3 साल में सीरीज 4 सीजन निकालना भाई ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि मूवी बनेगी। बाकी आप बताइए कि आपको वर्ल्ड वॉर हल्क पे एक सीरीज चाहिए या मूवी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट मैं अपना पर्सनली बताऊं कि भाई अगर मूवी भी आ जाएगी और मूवी अगर अच्छे लेवल पे बने तो मूवी भी थिएटर में मजे देगी बहुत ज्यादा, और सीरीज बन जाती है 2 सीजन भी तो वो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगेगा।